कहानी है मेरे रूममेट की। इलेक्ट्रिकल इंजीनियर था मैं भी जैसा हूँ। तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर क्या होता है, मैकेनिकल में हमारे हो गए मतलब उधर तो बजरंग दल ही रहता है, लड़कियों का अभाव है। हमारा था 120 का क्लास था और 10 लड़कियां थी, महाशय को उससे 10 लड़कियों में से एक से इश्क हो गया था। तो अब जब प्यार आशिक को होता है ना, सबसे पहले लात ना उसके दोस्तों को लगती है। मतलब उसको चाय के बजाय कॉफी अच्छी लगेगी, अरिजीत सिंह के गाने सुनेगा और पता नहीं अल्ताफ राजा का फैन हो जाता है, शायरियां सुनाता है सबको। तो शायरी से स्टार्ट करेंगे। अर्ज किया है, इरशाद कीजिएगा, अर्ज किया है, आप खूबसूरत है इतने, आप खूबसूरत है इतने कि हर किसी के जुआ पे आप ही का तराना है। आप खूबसूरत है इतने कि हर किसी के जुआ पे आप ही का तराना है। हम नाचीज कहाँ किसी काबिल, हम नाचीज कहाँ किसी काबिल, और खुदा भी आपका दीवाना है। तो ये लड़की को उसने सुना तो दिया है। अब न्यूटन का थर्ड लॉ है, एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल अपोजिट टू ईच अदर। मतलब जो एक्शन होगा उसका रिएक्शन भी होगा। पता चला लड़की भी फैन निकल गई इसकी। तो वो सुना दिया, इस उजड़े चमन में फूल खिलाएगा कौन, इस उजड़े चमन में फूल खिलाएगा कौन, हमारे बाद तुम्हें इतना याद आएगा कौन, इस उजड़े चमन में फूल खिलाएगा कौन, हमारे बाद तुम्हें इतना याद आया कौन। अरे पगले हम हैं तभी तो सताते हैं, अरे पगले हम हैं तभी तो सताते हैं, हमारे बाद तुम्हें इतना सताएगा कौन। अब इंजीनियर्स को और क्या चाहिए, लड़कियों से इंटरेक्शन होता नहीं है, लड़की ने रिस्पॉन्स दिया मतलब कदम आगे बढ़ाते हैं। हम ना होते तो गजल कौन कहता, हम ना होते तो गजल कौन कहता, आपके चेहरे को कमल कौन कहता। हम ना होते तो गजल कौन कहता, आपके चेहरे को कमल कौन कहता। ये तो करिश्मा है मोहब्बत का, ये तो करिश्मा है मोहब्बत का, वरना पत्थर को ताजमहल कौन कहता। रिलेशनशिप एडवाइस देगा कौन, रूममेट्स ही देंगे, हमारे जैसे सिंगल देंगे। और सिंगल के एडवाइस बेस्ट होती है। हमने एडवाइस दी, भाई इतना कुछ हो गया जाके प्रपोज कर दे, प्रपोज किया उसने और उसने बेचारे गलती ये कर दी, पब्लिक के सामने प्रपोज कर दिया। पब्लिक मतलब सिंपल होता है, आप जाओगे इंग्लिश में प्रपोज कर दोगे, बंदे ने शायरी उठाई उर्दू उठाई थी उसने, दो लाइन से, सुरमा आंखों में लगाने से नहीं होता श्रृंगार, सुरमा आंखों में लगाने से नहीं होता श्रृंगार, मेहंदी हाथों में लगाओ तो कोई बात बने। क्या अब मतलब पब्लिक खुश हो चुकी है, भाई भाई ने पब्लिक के सामने प्रपोज किया। उस दिन ना हमें दो बातें पता चली, दो बातें, पहली बात लड़की के साइड से दो बातें हैं। उस दिन पहली बात इस तरह से थी, माँ बाप की वफादार बेटियां, माँ बाप की वफादार बेटियां अक्सर इश्क में बेवफा निकलती हैं। और सेकेंड ये थी बात, आप शिद्दत से मोहब्बत करोगे ना, किसी से शिद्दत से मोहब्बत करते हो तो आप फ्रेंड जोन होते हो। लड़का उसी टाइम में फ्रेंड जोन हो चुका था। अब फ्रेंड जोन होता है तो आपका अल्ताफ राजा चला गया, अब अरिजीत सिंह आएगा, चन्ना मेरेया गाएगा। अब आप पे डिपेंड करता है, उसके फ्रेंड्स पे डिपेंड करता है आप कैसे रिकवर करवाते हो। आप उसको सुट्टा लगाते हो या दारू पिलाते हो बहुत अलग है, रिकवर कैसे करते हो। तो लेकिन जब दिल टूटता है ना तो शायरी जोरदार निकलती है। अब बंदे का दिल टूट चुका है। आशिक ना तीन तरह के होते हैं, आशिक हमारे तीन तरह के होते हैं। पहले होते हैं वन साइडेड लवर, जो चन्ना मेरा के आते हैं, उनके लिए एक हमारी जान थी। तो ये महाशय को जो लव हुआ था तो वो छह लाइन है, तो अर्ज किया है, याद तो उसे भी एक अधूरा अफसाना तो होगा, याद उसे भी एक अधूरा अफसाना तो होगा, कल रास्ते में उसने मुझे पहचाना तो होगा। याद उसे भी एक अधूरा अफसाना होगा, कल रास्ते में उसने मुझे पहचाना तो होगा। कोई लोग मतलब के हैं, कोई लोग मतलब के हैं, कोई मतलब की वादे, इन दोनों में फर्क जो समझा वो दीवाना तो होगा, इन दोनों में फर्क जो समझा दीवाना तो होगा। दिल की ना सही, दिल की ना सही, दिलचस्प ही बातें कर लिया करो, दिल की ना सही, दिलचस्प ही बातें कर लिया करो, क्योंकि जिंदा रहना है तो दिल को बहलाना तो होगा। अब बंदे का दिल टूट चुका है, ये हो गए, ये मतलब मूव ऑन करने में टाइम लगेगा, मूव ऑन कर लेंगे लेकिन टाइम लगेगा। अब सेकंड कैटेगरी आती है हमारी बेवफा सनम, मतलब ये होते हैं बदला लेने वाले। सबसे पहले जिम ज्वाइन करेंगे, बॉडी बनाएंगे, मतलब कुछ करके जाना है हमको। तो ये शादी में जरूर आना कैसे, या तो कुछ नहीं करेंगे या तो यूपीएससी क्लियर कर लेंगे, डायरेक्ट कलेक्टर बनते हैं। तो इनकी शायरी थोड़ी अलग से होती है। तो
अर्ज किया है, इसमें ही दो लाइन है, अर्ज किया है। अरे साथ कीजिए, ऐसे बैठे हुए यार। हमें जिसे हमने हार समझा, जिसे हमने हार समझा गला अपना सजाने को, जिसे हमने हार समझा गला अपना सजाने को, वही नाग बन बैठे हमी को काट खाने को। अब थर्ड कैटेगरी आती है, ये मेरी फेवरेट है, इनको पता चल जाता है हमारा कटने वाला है। ये मतलब ये इसके ऐसे होते हैं जो लड़कियों को फ्रेंडल कर देते हैं। ये जैसे दिल चाहता में है, ये समीर का रोल था, आज पूजा तो कल कोई दूजा। तो ये थे, तो अर्ज इसमें भी दो लाइन है, ज्यादा लंबा नहीं खींचेंगे, इसी दो लाइन है। तो अर्ज किया है, वो मुस्कुराती थी हम मोहब्बत समझते थे, वो मुस्कुराती थी हम मोहब्बत समझते थे, वो चूना लगाती थी हम मक्खन समझते थे। इनका एक और होता है, मतलब ये ट्राई करना नहीं छोड़ते हैं, आज पूजा कल दूजा है तो ट्राई करते रहते हैं। लाख दलदल हो पांव जमाए रखिए हाथ खाली से ही ऊपर उठाए रखिए, लाख दलदल हो पांव जमाए रखिए हाथ खाली से ही ऊपर उठाए रखिए। कौन कहता है चलनी में पानी नहीं ठहरता, बढ़ बनने तक हौसला तो बनाए रखिए। अब ये तो हो गए, कैटेगरीज हो गई। अब यहाँ पे स्टोरी पूरी नहीं होती है। अब महाशय को इनविटेशन कार्ड आता है शादी का, मतलब शादी में जाना है उसको। अब बंदे ने जिसे मोहब्बत किया था उसकी शादी हो तो पता चल ही जाता है कैसा लगता है। तो शादी में जा रहा है वो सबसे, और शादी में जाएगा ना तो सबसे ज्यादा काम यही करता है, लगता है उनके ससुर जी रिश्ता चेंज कर देंगे ना, इस हिसाब से शादी में काम करता है। तो ये फिर से अर्ज करते हैं, तो अर्ज किया है इर्शाद। हाँ, अब शादी में जा रहा है। हाँ, तो अब शादी भी आएगी ना, जो गूंज रहे थे कानों में उसकी शादी की सहनाई थी, मैं कलियां बिछा रहा था राहों में, आज मेरी जान की विदाई थी। ये सब जो कैटेगरी होती है, मैं तो बोलूंगा यार पहले ही रहो, सिद्धत से मोहब्बत करो भले फ्रेंड जोन होते हो। तो दो लाइन है जो अर्ज किया फिर से, प्यार सबको आजमाता है 16108 गोपियों से मिलने वाला कान्हा, 16108 गोपियों से मिलने वाला कान्हा एक राधा को तरस जाता है। तो इतने सारे तो हो गए, अब एंड भी करना पड़ेगा। तो एक मेरे लिए ही है, हंसी मजाक के पल याद रखना हमारी यादों को अपने साथ रखना, कल महफिल में शायद हम ना मिले, एक था शायर बस इतना याद रखना। चलो, थैंक यू।